गाइस वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल भारत कोर बाइकर्स। आज संडे राइड पे हम सुबह सुबह निकले हैं और आप देख सकते हो इट्स टू डार्क एंड मैं कितना आपको दिख रहा हूँ मुझे नहीं पता। और आज मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, आज मैं फ्रंट से फुटेज लेने का कोशिश कर रहा हूँ। सेक्टर 5 अब पहुँच गया है, सेक्टर 4 में हमारा मीटिंग पॉइंट है। पेट्रोल इज ओके, फ्यूल टैंक फुल है अभी। पत्थरकट्टा चौक आप देख नहीं पा रहे होंगे क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ, आई नो। तो इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, अगर इस एक्सपेरिमेंट से मेरे को कुछ आउटपुट निकलता है तो आई विल फॉलो इट और मैं ड्रॉप करूँगा ये वाले प्लान को। कुछ है बोकारो मॉल क्रॉस कर रहे हैं, राइट साइड में हमारा सिटी सेंटर का मार्केट है, लेफ्ट साइड में ये मॉल है। ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से अराउंड 500-600 मीटर ही है। हमें नंदवा स्थान जो हमारा मीटिंग पॉइंट है वहाँ पहुँचना है, वहाँ बाकी लोग इंतज़ार कर रहे हैं बहुत सारे गालियों के साथ। सो नंदवा स्थान का टर्न मैं ले चुका हूँ, बस आगे जाके राइट साइड में नंदवा स्थान है हमारा। बहुत गालियाँ देने वाले हैं भाई। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ नंदवा स्थान एंड मीट एवरीवन। नंदू, सुमित सर, ताज भाई, गाइस हम निकल चुके हैं अब अपने मीटिंग पॉइंट से आगे। और वो देखो हमारे दो राइडर आगे आगे जा रहे हैं पेट्रोल लेने के लिए। वो निकले हैं, फ्यूल नहीं है उनके गाड़ी में तो वो पहले फ्यूल अप कराएंगे। ताज भाई सुबह निकल चुके हैं अपने हार्ले में नया नया एग्जॉस्ट डालकर, और उसका एग्जॉस्ट का आवाज़ जो है बहुत प्यारा हो चुका है पहले से। ताज भाई बैग में कुछ लेकर निकले हैं, क्या लेकर निकले हैं पता नहीं, पूछते हैं उनसे। और अभी हम नया मोड़ क्रॉस कर रहे हैं, नया मोड़ ओ ओ ओ, वो अभी हम पेट्रोल पंप पहुंच गए हैं। यहाँ पर अभी ताज भाई पेट्रोल लेंगे और हम अपना कैमरा का सेटिंग ठीक करेंगे, तो मिलते हैं आपको कैमरा सेट करने के बाद। कैमरा का सेटिंग चेंज किया, आई थिंक आपको बेटर दिख रहा होगा। और यहाँ से बाकी भाई लोग पेट्रोल लेकर निकल चुके थे, अब बने रहो हमारे साथ। आज का हमारा ब्लॉग जो है वो है ललपनिया वाटरफॉल पे। हम ललपनिया वाटरफॉल विज़िट करने जा रहे हैं आज के इस राइड पे। और लास्ट जो हमारा राइड रहा वो बहुत ही मज़ेदार रहा, मुंगेर द सिटी ऑफ हैंडमेड गन्स, जो कि लास्ट 200 इयर्स से गन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था तो उठाऊँ मैं फिर भी ठीक ही 4 बजे 4:30 बजे निकलने के लिए, बट पैकिंग करने में टाइम लगा दिया, आलसी टाइप से पैकिंग किया हूँ बहुत। और मैं अब हम सब इनफैक्ट अभी हाईवे पे आ चुके हैं। ये अपाची निकले और विज़न का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत फॉग हो चुका है, टेम्परेचर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है विज़न। सो गाइस ये हज़ार्ड लाइट जलाते हुए आप जो देख रहे हो बाइक सामने जा रही है। आज के हमारे राइड के मेंबर्स हम ही 3 जन हैं, मिस्टर सुमित एंड मिस्टर ताज, ताज भाई और सुमित भाई। ये आप देख सकते हो इस अंधेरे में बस हम निकल पड़े हैं। मौसम बहुत ही ठंड से भरी हुई है और बहुत ही मस्त ये मौसम है बॉस, क्या बताऊँ आप लोगों को। गाइस मुझे आदत नहीं है यार ऐसे बात करते करते राइड करने का, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अडैप्ट दिस फॉर यू। और इसीलिए हमारे पुराने जो भी ब्लॉग्स हैं आपने देखा होगा उस पर वॉइस ओवर है, बाद में मैं रिकॉर्ड किया हूँ। बट एज़ पर द पब्लिक डिमांड, आप लोगों के डिमांड के कारण मैं बाइक राइड करते हुए बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा हूँ लाइव, ताकि आप लोगों के साथ बेटर कनेक्ट कर पाऊँ। और आज मैं ज़्यादा स्पीड राइड नहीं करने वाला हूँ, इसके 2 रीज़न्स हैं। फर्स्ट कि विज़न का प्रॉब्लम, सेकंड कि मेरे टायर्स जो है वो पुराने हो चुके हैं। मैंने कंप्लेन भी कर रखा है इन टायर्स के लिए क्योंकि ये बहुत कम चला है एंड ये बहुत बुरे स्थिति पे है।
लास्ट मुंगेर के राइड पे बहुत प्रॉब्लम हुए मेरे को इन टायर्स के कारण। मैंने एयर प्रेशर कम किया तो स्टेयरिंग जो है वो बहुत वेटेड हो गई थी, एंड जब एयर प्रेशर नॉर्मल था तो ये बहुत ज़्यादा स्लाइड कर रहा था रास्ते पे। जैनामोड़ पहुंच चुके हैं और जैनामोड़ से हम आगे। भाई साहब ये बाकी के दो लोग जो है ना, ये हर राइड पे हमारे साथ ऐसा ही करते हैं, हम बहुत आगे निकल जाते हैं और ये पता नहीं कहाँ रह जाते हैं यार। जबकि मैं बहुत तेज़ चला भी नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट राइडिंग फास्ट एट ऑल, आई एम राइडिंग अ वेरी नॉर्मल स्पीड। तो पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को, मैं पूछता हूँ इन लोगों से ज़रूर। यार एक कुत्ता मर गया है इधर इसी गाड़ी के नीचे आकर, बहुत बुरा लगता है ऐसे रास्ते में किसी का डेड बॉडी देखकर यार। सुबह सुबह अभी सूरज की जो किरणें हैं वो थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो रही है आनी, तो थोड़ा सा विज़न पहले से बेटर हो रहा है, आप देख सकते हो। हाफ एन आवर मोर, आधे घंटे में विज़न जो है वो बहुत क्लियर हो जाएगी, तो उसके बाद आपको भी देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं सोच रहा था 6 बजे के आसपास निकलना सही रहता ताकि थोड़ा विज़न जो है वो क्लियर हो जाता रोड पे, बट हमारे सुमित भाई का कुछ प्लान है, उनको 8:30 तक फ्री होना है, तो वी हैव शेड्यूल दिस प्लान वैसे ही कि वो 8:30 तक हम सब कोई फ्री हो जाए, वो अपने काम पे जा सके। ही हैज़ बेसिकली गो टू हिज ऑफिस, संडे को भी आज उनको ऑफिस जाना है, तो उसके कारण से हमने अर्ली राइड का प्लान रखा। और आप देख सकते हो हम सुबह सुबह जो निकले हैं, सुबह पहले उठने में तो बुरा ज़रूर लग रहा था, बट यार अब वी आर फीलिंग ऑसम, मज़ा आ रहा है। मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा फॉग है रास्ते में, बट फिर भी यार ये राइड का अपना मज़ा होता है यार। एक बार बस हैंडल स्टीयरिंग को पकड़ के बैठ जाओ तो फिर अलग ही आप वर्ल्ड पे रहते हो, एंड एवरी राइडर कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और अगर आप राइड नहीं करते हो तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप इस चीज़ को, हमारी फीलिंग्स को नहीं समझोगे। ये सुबह सुबह इतने कष्ट लेकर सुबह उठकर और फिर बस कहीं एक जगह जाने के लिए लोग निकल जाते हैं विदाउट एनी पर्पस, तो दिस इज़ जस्ट फॉलोइंग पैशन। पहला टोल प्लाजा हमने क्रॉस कर लिया है बालीडी का, और बालीडी से अभी हम आगे निकल रहे हैं। गाइस ये देखो, ये सामने से कुछ बाइक्स भी जा रहे हैं, आप सामने देख सकते हो, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा आपको, इसमें मेरी गलती नहीं है यार, दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉग। बहुत ही शानदार ये मौसम है और बहुत ही शानदार ये राइड रहने वाली है आज की। आई एम वेरी श्योर कि आज का राइड में पहले के जितने राइड्स हुए हैं उससे ज़्यादा मज़ा होने वाला है। द ओनली रीज़न इज कि इस सुबह सुबह ठंड में जो हम निकले हैं यार, मज़ा आ जाएगा वहाँ उतरने के बाद। बाकी लोगों का हालत बहुत बुरा है, वो बहुत पीछे रह चुके हैं और हम बस ऐसे गोलियों के जैसे ये निकले हुए हैं और निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं। मज़ा आ रहा है गुरु, मज़ा आ रहा है। और बोकारो वालों से, बोकारो के नियर बाई प्लेसेस वालों से मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि यार इफ़ यू हैव दिस सेम पैशन ऑफ राइडिंग बाइक्स, कम जॉइन अस, कम जॉइन आवर ग्रुप भारत कोर बाइकर्स एटलीस्ट ऑन संडे टू गो फॉर राइड। मज़ा आता है यार, आप देखो कितना मज़ा आता है। तो हिम्मत करो सुबह उठने का और निकलो साथ में। ये दोनों आ चुके हैं, अचानक से ये दोनों पहुँचे, ऐसे जैसे प्रकट हुए हैं मेरे सामने, पता नहीं कहाँ थे इतने देर से, मैं वेट कर रहा था। इन लोगों को पूछता हूँ कि ये क्या कर रहे थे, क्यों इतना लेट किए, बट अभी नहीं, रुकने के बाद लेट्स एंजॉय द राइड एज ऑफ नाउ। वो सामने हार्ले डेविडसन में ताज भाई उड़ते हुए निकल रहे हैं, 130-140 के स्पीड पे होंगे वो, एंड पीछे जो हमारा अपाची आरटीआर 310 है
वो भी 100+ की स्पीड पे होंगे, क्योंकि मैं बीच का स्पीड को मेंटेन कर रहा हूँ ताकि लोगों के साथ रहूँ। अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ तो फिर ये छूट जाएंगे, तो मैं बहुत तेज़ नहीं भागने वाला हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फिर मेरे को रुकना ही पड़ जाता है। जब हमने अप्रैल में ये भारत पूर्व बाइकर्स को स्टार्ट किया था तो इसी रीज़न से हम सुबह सुबह 4 बजे निकला करते थे कि रोड्स खाली होते थे। बट आप देखो, ठंड होने के कारण ड्राइवर्स जो है, ट्रक ड्राइवर्स, वो भी रात पे ड्राइव नहीं कर रहे हैं, और वो भी क्या कर रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग वो निकल रहे हैं, जिसके कारण रोड पे बहुत सारे ट्रक्स दिख रहे हैं इतने सुबह सुबह रोड पे। जो सबसे ख़तरनाक चीज़ अगर है इन झारखंड के रोड्स पे स्पेशली, तो वो ये ट्रक्स ही है। इनफैक्ट झारखंड के अलावा आप पूरे इंडिया में अगर किसी चीज़ से डरो तो वो ट्रक से डरो यार, क्योंकि इनके जो ड्राइवर्स होते हैं उनका कोई भरोसा नहीं होता है। दे जनरली ड्राइव वाइल बीइंग ड्रंक, शराब पीकर वो गाड़ी चलाते हैं, और उनको इसका सर्कमस्टांस पहले समझ में नहीं आता है, और बाद में जब एक्सीडेंट हो जाता है तो ट्रक छोड़कर वो भाग जाते हैं, क्योंकि ओनर तो वो होते नहीं है, दे आर जस्ट पे ड्राइवर्स। तो उनकी यही मेंटालिटी होती है कि यार छोड़ो, मालिक समझेगा, मुझे क्या लेना देना, मैं अपना जान बचा के यहाँ से भागता हूँ। इट इज़ नॉट गुड यार, आप किसी की भी चीज़ को अगर आप यूज़ कर रहे हो, बीइंग इवन अ पेड ड्राइवर, इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक कि आप उस चीज़ का ख्याल रखो और उसको सही सलामत उसके बाद वापस पहुँच जाओ। बट पता नहीं यार इनका क्या है, क्यों इनके मेंटालिटी ऐसे है। देखो आप इधर राइट साइड में भी ट्रक्स लोग खड़ा करके सो रहे हैं ठंड के कारण। नॉर्मली ठंड में ये बहुत कॉमन सा चीज़ है कि सारे ड्राइवर्स दो रीज़न से, एक तो ठंड जो कि उनको लगता है चलाते वक्त, दूसरी विज़न क्लियर नहीं होने के कारण भी अपने गाड़ियों को साइड पार्क करके सो जाते हैं, और अर्ली मॉर्निंग जब नींद खुलती है तब वो वापस से वहाँ से निकलते हैं। आइए गाइस, आपको हमारे ललपनिया का शेयर कराते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि ललपनिया में क्या क्या है। गाइस आई एम वेरी श्योर आज का जो सनराइज होने वाला है वो बहुत ऑसम होने वाला है। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, यू नो व्हाई? बिकॉज ठंड का जो सनराइज होता है वो फॉग के कारण और भी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। तो पहले के हमारे राइड्स में क्या होता था, वी हैव ट्राइड मैनी टाइम्स कि हम सनराइज सुबह का पकड़ पाए। सुबह के 4 बजे उठकर हम निकले हैं बट सनराइज जो है वो मिस हो जाया करता था। उसका रीज़न ये था दोस्त कि सनराइज जो है वो पहले हो जाती थी, बट ठंड में क्या है कि फॉग के कारण सनराइज थोड़ी लेट होती है, और उसके कारण हम लास्ट अपने मुंगेर के जो राइड पे निकले थे उसमें भी बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड लेवल का सनराइज को एंजॉय किए थे। एंड आई एम वेरी श्योर कि आज भी हम बहुत अच्छा सनराइज देखने वाले हैं। रास्ते में हमें कहीं दिखेगा, आई विल श्योरली ट्राई टू शो यू द ब्यूटी ऑफ द सनराइज इन दिस फॉग इन द विंटर सीजन ऑफ आवर झारखंड। झारखंड का मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि झारखंड मीन्स झाड़ों का खंड, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ बुशेस। तो ये पूरी की पूरी जो झारखंड जो है ये फुल ऑफ ग्रीनरी एंड ब्यूटी है। बट वहाँ पे वी विल टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, सबको आने का वेट कर लेंगे वहाँ पे, और फिर वहाँ से आगे हम बढ़ेंगे। गाइस अब हम पिटरवार इन कर गए हैं, और ये सामने आप देख सकते हो तेनुघाट के लिए राइट साइड जो टर्न दिख रहा है उसी टर्न में हमें मुड़ना है। तो वी विल वेट हियर फॉर फ्यू मिनट्स, बाकी लोगों का आने का वेट कर लेते हैं और फिर यहाँ से हम निकलते हैं। ये देखो पब्लिक रिएक्शन भाई, कुछ बोल रहा है नंदू? दिस मिस्टर नंदू, सर्दी से इसकी हालत खराब हो रही है, फट चुकी है इसकी ठंड में, और मजा बहुत आ रहा है दोस्तों। लेट्स वेट फॉर द अदर मेंबर्स, कहाँ रह गए? हाँ क्या दिख रहे तुम्हें? नहीं क्या? हम बहुत आगे आ गए थे क्या? बहुत तेज तो चलाए नहीं हमने? अच्छा ओके, आ ही जाएंगे।
ये हमारे ताज भाई है शायद, नहीं दिस इज अपाची 3TNRR, और वो पीछे हमारे ताज भाई आ रहे हैं। तो सारे लोग यहाँ पहुँच गए हैं, तो अभी एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले लेंगे। सामने एक 30 साल दिख रहा है, ठंड बहुत है, तो सुबह का चाय पी लेते हैं यहाँ, थोड़ी गर्मी आ जाएगी, और गर्मा गर्म चाय पीने के बाद फिर हम यहाँ से अपना आगे का राइड कंटिन्यू करेंगे। ये आप देखो पब्लिक रिएक्शन यहाँ की। तो बस चाय पीने के बाद आपसे मिलते हैं हम, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक दे दो हमें।